हे गाइस व्हाट्सएप वेलकम अगेन विद न्यू अनदर वीडियो। सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं फिर से एक बंदे का लाइव एक्सपोज करने वाला हूँ। उसने मेरी एक वीडियो के ऊपर कमेंट किया है जहाँ पे अपने 3 नंबर दिए, ठीक है। और जहाँ पे गाइस मैं दिखा देता हूँ, लिखा है कि 2500 रुपये देने पर वो बंदा ज्वाइन करा रहा है जिगोलो। वन सेकेंड देखो, आप एक सेकेंड, मैं चार्ज से हटा लेता हूँ फ़ोन। ये देखो किरण कलडेट करके कुछ बंदे का जीमेल आईडी नेम है, आप यहाँ ध्यान से देख लो, ठीक है। तो बंदे ने 3 नंबर दे रखे हैं, मैं ये वाला नंबर भी दिखा देता हूँ। वन सेकेंड आप ध्यान से देख लो, ठीक है, क्या क्या लिखा रखा है। तो अभी मैं इस नंबर पे फ़ोन करता हूँ और देखता हूँ। एक जगह फिर लिख रखा है मुझे जिगोलो ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर करना पड़ेगा, और मुझे बता दीजिए प्लीज़ सर, मेरा नंबर ये है, ठीक है। तो गाइज एक जगह पे लिख रखा है कि मैं जिगोलो ज्वाइन करा रहा हूँ 2500 रुपये लेकर, और ये मेरे 3 नंबर हैं, आप इन पे से किसी पर भी कॉल कर सकते हो। आपको रियल जिगोलो ज्वाइन करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब गाइज मैं देखता हूँ कि ये बंदा जिगोलो ज्वाइन कराता है या करना चाहता है, या मैटर क्या है। सो कॉल लगाते हैं हम भाई को और लाइव एक्सपोज करते हैं, ठीक है। सो किरण कलदेतकर महाराष्ट्र का नंबर एड्रेस आ रहा है जीमेल पर, और देखते हैं। हेलो, हाँ जी सर, अभी बात हो रही थी ना अपन लोग की थोड़ी देर पहले। हाँ हाँ, तो यार मुझे ये जानना है, मुझे ना ज्वाइन करना था। YouTube चैनल था ना आपका, उसे तो देखना था। ओके, तो आपने मुझे पहचान लिया, राइट? अच्छा मेरे दोस्त, मुझे ये जानना था एक्चुअली, आपने मेरी वीडियोस पे कई सारी कमेंट्स किए थे, राइट? देखा था वीडियो, कमेंट्स किए थे, मैं दिखा देता हूँ। पहला कमेंट आपने मुझे किया कि मुझे जिगोलो ज्वाइन करना चाहता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर करना पड़ेगा, और मुझे बता दीजिए प्लीज सर, ये मेरा नंबर है, राइट? दूसरे नंबर में आपने लिखा है, भाई जिगोलो करने के लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं, अगर नहीं है तो मुझे बतवाओ, मैंने ज्वाइन करने के लिए 2500 रुपये दिए हैं, मेरा नंबर ये है, और मैं आपको उनके नंबर भी देता हूँ, राइट? हाँ, वो दो नंबर जो है ना, ठीक है, वो दो नंबर दे आपके पास भेजा हूँ, और उनमें क्या किया है कि 2500 रुपये बोला था, यानी खाता नंबर भी दिया था और फोन पे का भी नंबर दिया था, तो ये सच्चे की जितने वो आपके बार बार पूछना था। तो यार मेरे भाई, आप मतलब मुझे ये बताओ ना कि आप मेरे से हेल्प लेना चाहते हो या फिर आप मुझे जिगोलो ज्वाइन कराना चाहते हो? आपसे हेल्प लेना चाहता हूँ कि अच्छा 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 हेल्प लेना चाहते हो, राइट? चलो ठीक है, तो फिर यार ऐसे कमेंट करना था ना कि आपको, आप मेरी हेल्प करो, और इस बंदे ने मेरे साथ फ्रॉड स्कैम किया है, ये उनका नंबर है, ये क्या मकसद था कि 2500 रुपये देने पड़ते हैं जिगोलो ज्वाइन करने के लिए? वाला कमेंट दिया था ना, अच्छा अच्छा, मैंने सोचा अगर आपके पास जाता है कि नहीं जाता है, इसलिए वो यार, अगर आप किसी वीडियो पर कमेंट करोगे तो जाहिर सी बात है, देखो कमेंट तो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, कोई भी यूट्यूबर है कमेंट्स देखता है, लाइक भी करता है, हर्ट भी करता है, ओके। और एक्चुअली अभी क्या है कि पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो कोई प्रोजेक्ट भी नया नहीं बना पाया हूँ, और सॉरी एक प्रोजेक्ट के ऊपर बिजी था, वो तो लॉकडाउन हो गया, अब तक सबके सामने शो ऑफ कर देता, और दूसरी बात यार वीडियोस भी नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है, तो किसी से बात करने के लिए भी टाइम नहीं, इतना बिजी हूँ लॉकडाउन के अंदर भी। तो मैंने सोचा यार बंदा मतलब क्या मैटर है, बात करके पता करता हूँ, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, आपके साथ स्कैम किया है वो, उनके दो नंबर दूसरे, ठीक है, कितने रुपए का? 2500 रुपये का, राइट? अच्छा, तो बंदे ने आपको जो एड्रेस दिया था वो कहाँ का था जिसको आपने पैसे दिए? वेबसाइट पर देखा था, कौन सी वेबसाइट थी? कौन सी वेबसाइट थी जिसपे आपने देखा था? एक बात बता दूं मैं आपको, एक बात बता दूं, अगर आप मेरी बात मान लो एज ए बिग या एज ए स्मॉल ब्रदर, छोटे या बड़े भाई के नाते से मेरी एक बात मानोगे आप? हाँ, आपकी एज क्या है? क्या एज, उम्र कितनी है आपकी एज? उम्र 36 है। 36, राइट? शायद आप मैरिड हो, राइट? हाँ, बच्चे? मैंने कोई मैरिज नहीं, नहीं मैरिज में कोई नहीं था। 36 की एज में यार आप मैरिज नहीं हो? नहीं नहीं। कमाल है, मैं शादी करा दूँ फिर आपकी। हाँ नहीं, कोई मैरिज नहीं, कुछ नहीं हो, इसलिए तो मैं देखो यार एक बात बता देता हूँ, जिगोलो जिस तरीके से लोगों ने लाइटली ले रखा है,
और समझ रहे हैं कि जिगोलो जिगोलो ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। ये इलीगल वर्क है, इसका ना कोई एप्लीकेशन है, ना कोई वेबसाइट है, ना कोई गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। ये सब फैक है। कोई भी बंदा ये दावा करता है कि वो गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू आपको काम दे रहा है, या फिर ये गवर्नमेंट लीगली तरीके से काम दे रहे हैं, या फिर ये रजिस्टर्ड कंपनी है, इसका एग्रीमेंट लेटर गवर्नमेंट की साइड से प्रमोशन परमिशन मिला हुआ है, ठीक है, तो वो फैक है। तो क्या किया था, तो अगर 5 रुपये दिया ना तो अपने क्या कर रहा है कि बच्चे को 25 रुपये भेज दो, और फिर मेरे भाई मार्केट में मेरी वीडियोस देखो, मैंने बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर बना रखी है। देखो इस तरीके से स्कैम चल रहा है, बहुत तरीके से स्कैम चल रहा है कि बस पूछो मत। दूसरी बात, मैं वीडियोस इसीलिए यूट्यूब पर डाल रहा हूँ ताकि लोगों को पता चल सके, इन्फॉर्म मिल सके, राइट। चलो कोई इशू नहीं है, थैंक यू सो मच कि आपने मेरा वीडियो देखा। बट देखो मैं बता देता हूँ, इसके चक्कर में मत पड़ो, किसी को 1 रुपया मत दो। बेस्ट यही है कि आप इसको भूल जाओ, आप अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि मार्केट में या इस दुनिया के अंदर कोई जिगोलो नाम का काम भी होता है, ठीक है। जब तक आप अपने दिमाग से इमेज ख़त्म नहीं करोगे, जब तक आपके साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी बहाने से स्कैम होता बंद नहीं रहेगा, क्योंकि लालच बुरी बला है। तो उसके नंबर चलो मैं उन नंबर्स के खिलाफ भी एक्शन ले लूँगा, डोंट वेरी। बट मैं आपको एक एडवाइस दे देता हूँ, इस चक्कर में मत पड़ो, मत किसी को पैसा दो, मत किसी को कॉल करो, मत कहीं पे कमेंट्स करो, और मोस्टली मेरी वीडियोस पर कमेंट्स में अपना नंबर मत दो, क्योंकि मेरे दोस्त हो क्या रहा है कि लोग मेरे नाम से लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर मेरे फेक अकाउंट्स बने हुए हैं, यूट्यूब पर मेरा फेक चैनल चला रखा है, और लोगों को फेक नंबर्स से कॉल आ रही है कि मैं अल्फाज बात कर रहा हूँ, ठीक है। और तो और मैं बता देता हूँ, वीडियो कॉल पर भी लोगों को मेरी वीडियो दिखाते हैं, वीडियो कॉल पर लोगों को मेरा फ़ोटो तक दिखाते हैं फ़ोन से कि देख लो यार मैं रियल अल्फाज बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहली बार जो लिखा था ना, वो थोड़ा मेरे से गलती, हाँ मैंने उसी गलती को एक्चुअली मैंने आपकी जब भी आपने कमेंट्स किया था ना तो मैंने स्क्रीन शॉट ले लिया था, तो मैंने सोचा फ्री होकर कॉल करता हूँ, तो मैं भी फ्री था तो मैंने कॉल कर दिया, ठीक है। आगे से याद रखना, ऐसा कुछ मत करना, ओके। हाँ ठीक है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। बट याद रखें, किसी को भी इसी तरीके से कोई भी कॉल मत करो, मैसेज मत करो, कमेंट्स मत करो, इसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, भूल जाओ, ठीक है। तो आप सेफ रह सकते हो, अदरवाइज भाई मेरे अगर पैसा ज़्यादा है लुटवाना है तो फिर आप बंदों को फ़ोन भी करो, कमेंट्स भी करो। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। सो गाइस, अभी बंदे के साथ बात किया, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था क्योंकि लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम नहीं गलती हो गई उससे, कि उसने ये लिखना था कि मेरे साथ 2500 रुपये का स्कैम हुआ है, ये नंबर्स हैं जिन्होंने मेरे साथ स्कैम किया है। बल्कि उन्होंने लिखा कि जिगोलो ज्वाइन करने के लिए 2500 रुपये देने होता है, ये 3 नंबर्स मैं आपको दे रहा हूँ, आप इन नंबर्स पर कॉल करके जिगोलो ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने आपके सामने कॉल किया, ठीक है। किसी को भी बचना है जिगोलो के साथ स्कैम ना हो, उसके जिगोलो के जरिए से उसके साथ स्कैम ना हो, तो भाई किसी को कॉल मत करो, किसी भी वीडियो पर कमेंट्स मत करो, किसी से भी कांटेक्ट मत करो, अपने दिमाग से ये इमेज निकाल डालो कि जिगोलो मार्केट के अंदर काम कर रहा है और जिगोलो का काम भी होता है, तो आप बच सकते हो। अदरवाइज भाई स्कैम होना, आपके साथ फ्रॉड होना, ये तो कंपलसरी है, क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग की सोच ख़त्म नहीं करोगे, जब तक आपके वो चूल्हे ना जो लगी हुई है कि जिगोलो ज्वाइन करना है, तो ख़त्म नहीं होगी। आप कॉन्टैक्ट करोगे, कमेंट्स करोगे, कॉल पिकअप करोगे, मैसेज करोगे, और आपके साथ एक नया स्कैम सामने आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। सो गाइज, मैं सोच रहा था कि कुछ लॉकडाउन के बाद अलग और अनोखा दिखाता हूँ, बट अभी क्या है कि मजबूरी है कि मुझे इस तरीके की वीडियोज़ डालनी पड़ रही है। तो ठीक है गाइज, मिलते, बाय। हाँ नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, बाय।